Happy birthday to you. Happy birthday to you. Good morning, guys. This vlog is very special for me because this week जो है बहुत ही स्पेशल डे पड़ता है, मेरे हस्बैंड का बर्थडे है. और एक और चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, विच इज़ आई एम गोइंग फॉर अ ट्रिप. यस, आई एम गोइंग फॉर अ ट्रिप फाइनली. लॉकडाउन के बाद जो ये पहला ट्रिप है, और लकीली मैंने लॉकडाउन से जस्ट पहले एक ट्रिप मारा था राजस्थान का. और आई एम गोइंग for another trip which is also in Rajasthan. So yes, जो मैंने कहा था अपने last vlog में कि मैं राजस्थान का ही trip मारूंगी दोबारा बहुत जल्दी, तो वो बहुत जल्दी हो गया है. ये trip जो है, trip छोड़ो, ये week बहुत special है because मेरे husband का, पंकज का birthday है. और मुझे काफ़ी चीज़ें करनी है, preparation करनी है, कैसे surprise करना है, क्या करना है, आई होप मैं कर पाऊँ. और उससे पहले मुझे थोड़ा अपना सेल्फ ग्रूमिंग करनी है, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि बर्थडे भी है और ट्रिप भी है, और 6-7 महीने से कुछ नहीं कर रखा, फेस ऐसा ही है. तो आज ब्यूटिशियन भी आ रही है, तो घर पे सैलून होने वाला है. और मैं आज बहुत ही रिलैक्सिंग मोड पे हूँ, काफ़ी महीनों बाद मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ कि ट्रिप की एक्साइटमेंट है, बर्थडे की एक्साइटमेंट है, और ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें सही हो रही हैं, थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल, ऐसा फील हो रहा है. चल बाहर कुछ भी चल रहा हो, कोरोना वगैरह, ठीक है, बट चीज़ें मुझे लगता है नॉर्मल फील करना भी बहुत ज़रूरी है. बी पॉजिटिव हर चीज़ के लिए जो भी चल रहा है. तो यस, आई एम सेट फॉर दिस वीक. तो देखते हैं मैं कितना सक्सेसफुल हो पाती हूँ और कितना नहीं. बहुत ज़्यादा कोई सरप्राइजेस नहीं है, बस छोटा मोटा एक सरप्राइज है, क्योंकि हम साथ में जॉब कर रहे हैं ना, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम कुछ बड़ा कर सको, क्योंकि बगल में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो कब जाओगे, कुछ करोगे नहीं, यू डोंट हैव टाइम. तो जितना भी है मैं ट्राई करूँगी खुद करने का, और let's see what happens and just wish me all the best कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो सकूँ, right? मैं छोटी छोटी वीडियोज बनाती रहूँगी, बहुत मुश्किल होने वाली मुझे इस ब्लॉग के लिए. Cheers. Morning. This is another day, and this is 30th September, which is one day before his birthday. तो आज मुझे कुछ preparation करनी है जो मैं छुप छुप के कर रही हूँ already. कल से start कर दी है मैंने. तो उनमें से एक चीज़ है कि मैं हलवा बना रही हूँ. मतलब कुछ special बनाना चाहिए ना कि जो favorite हो, which is बादाम का हलवा, जो कल से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी. यू कैन सी ये बादाम मैंने काटने शुरू, मतलब छीलने शुरू कर दिए थे. तो द वर्क इज ऑलरेडी इन प्रोसेस. द सेकंड थिंग इज दिस इज हैप्पी बर्थडे वाले जो बलून होते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है अमेजोन से. लेट्स सी कैसे होते हैं. आ तो गए, बट इनको फुलाना और लगाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क जो मुझे करना है, और दैट टू चुपके चुपके, पता नहीं लगने देना है. ही इज़ ऑल्सो इन द हाउस, दोनों घर पे ही हैं,
तो वो सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है मेरे लिए। तो पहले मैं इन बादामों को छीलती हूँ। मुझे नहीं लगता अभी दिन में बन पाएंगे। एक्चुअली बर्थडे इज टुमोरो, तो मैं सोच रही थी कि 12 बजे के बाद ना कुछ होना चाहिए, जो मैं हमेशा करती हूँ। केक मैंने ऑर्डर कर दिया है, थोड़ा सा डिज़ाइनर केक है, तो आई होप ही लाइक्स इट। और बस ये दो तीन चीज़ें हैं, तो मैं करती हूँ ये सब। जब तक तो वो सो रहे हैं तो मैं कुछ कर लूँ काम वाम। चलो स्टार्ट करते हैं काम। सो आई एम डन विथ द डेकोरेशन पार्ट, जो मैंने थोड़ा बहुत करी है, ज़्यादा नहीं करी है। तो ये बलून्स हैं और ये हैप्पी बर्थडे वाला एक जो है बलून टाइप से, बस इतना ही किया है। बिकॉज मुझे ना ज़्यादा, मैं बलून नहीं फुला सकती, तो मैंने जितना लगा कि मतलब काम चल जाएगा वो मैंने कर लिया है। सो केक आ गया है, डेकोरेशन हो गई है, तो एक चीज़ और रह गई है, विच इज़ क्या रह गई है? अच्छा लग रहा है ना? ये वाली डेकोरेशन पहली बार करी है, क्योंकि शायद ये थोड़ी ट्रेंडिंग है। नहीं तो मैं बलून्स और कुछ लिखना और सब कुछ करती हूँ जनरली। अभी इस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैंने कुछ कार्ड वगैरह कुछ नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, कोई नहीं, कुछ नया भी डिफरेंट भी करना चाहिए। तो हाँ, एक हलवा रह गया है, बादाम का हलवा मुझे बनाना था। तो 1 घंटा है मेरे पास, तो आई थिंक मैं वो हलवा बना सकती हूँ। तो चलो तब तक हम बादाम का हलवा रेडी कर लेते हैं। तो ये घी मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, और ये है बादाम और मिल्क का पेस्ट जो मैंने ऑलरेडी ग्राइंड कर रखा है। सो लेट्स स्टार्ट इट। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear पंकु। और फाइनली ये बन के तैयार हुआ है 2 घंटे में। खा के देखो कैसा है, गर्म हो रहा होगा, आराम से खाना। मस्त चोको चोको। सो आई एम डन विद द हलवा, फाइनली बन गया 2 घंटे बाद।
So this is it for the day. So thanks for watching my video, and if you like it, then please hit the like button and subscribe to my channel. और इसके बाद मैं कल वीडियो बनाना शूट करना शुरू करूँगी. आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.